हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे जनवरी महीने के टॉप 100 करंट अफेयर का सेट नंबर 2। तो आते हैं पहले करंट अफेयर पे। जाइलोफका नंदिनी, जिसकी हाल ही में पहचान की गई थी, किसकी प्रजाति है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए मोलस्क, ऑप्शन बी है मछली, ऑप्शन सी है कछुआ, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, मोलस्क। जाइलोफका नंदिनी किसकी प्रजाति है? मोलस्क की। नेक्स्ट आते हैं, माघ मेला 2022 किस राज्य में आयोजित होने वाला वार्षिक धार्मिक मेला है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट आते हैं, हाइड्रोफिस ग्रेसिलिस, एक दुर्लभ समुद्री सांप, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में देखा गया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी है मेघालय, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है केरल। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहां पे सही आंसर होगा, केरल। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ औपचारिक मुक्त व्यापार समझौता, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वार्ता शुरू की है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी है यूके, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन डी है जापान। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, यूके। नेक्स्ट आते हैं, किस भारतीय कंपनी ने केन्या ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट विकसित करने के लिए अफ्रीका 50 निवेश मंच के साथ हाथ मिलाया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए ONGC, ऑप्शन बी है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, ऑप्शन सी है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो सही आंसर यहां पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहां पे सही आंसर होगा, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ने केन्या ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट विकसित करने के लिए अफ्रीका 50 निवेश मंच के साथ हाथ मिलाया है। नेक्स्ट आते हैं, गगनयान कार्यक्रम की चालक दल क्षमता, क्रू कैपेसिटी क्या है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 4। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 3। नेक्स्ट आते हैं, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जिसका हाल ही में उड़ान परीक्षण किया गया था, किस देश में विकसित किया गया था? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए USA, ऑप्शन बी है UK, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है भारत। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, भारत। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में शुरू की गई AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पेटेंट प्रणाली क्लियर वाइंड का उद्देश्य क्या है? आपके पास ऑप्शन है वायु प्रदूषण से निपटना, ऑप्शन बी है वाटर प्यूरिफिकेशन, या हिंदी में क्या बोलेंगे, जल शोधन, ऑप्शन सी है बोथ A और B, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? जो AI आधारित पेटेंट प्रणाली है क्लियर वाइंड, इसका उद्देश्य है वाटर प्यूरिफिकेशन, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, जल शोधन। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में खबरों में रहा परख PARAKH किस क्षेत्र से जुड़ा एक पोर्टल है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्टूडेंट लर्निंग असेसमेंट, ऑप्शन बी है रक्षा अधिग्रहण, ऑप्शन सी है निवेश सलाह, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, स्टूडेंट लर्निंग असेसमेंट। नेक्स्ट आते हैं, गुलाबो, जिसका हाल ही में वन विहार राष्ट्रीय उद्यान और चिड़ियाघर भोपाल में निधन हुआ है, अब से पूछ रहा है कि गुलाबो क्या है बेसिकली? आपके पास ऑप्शन है एक सिंग वाला गैंडा, ऑप्शन बी है स्लॉथ बियर क्या होता है, भालू का एक प्रकार होता है, ऑप्शन सी है बंगाल टाइगर, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, स्लॉथ बियर। गुलाबो क्या है? एक स्लॉथ बियर है जिसका अभी हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट आते हैं, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल किस शहर में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है मदुरई, ऑप्शन बी है चेन्नई, ऑप्शन सी है कोयम्बटूर, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो सही आंसर क्या होगा?
सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल चेन्नई में स्थित है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, दरवाजा गैस क्रेटर जिसे गेटवे टू हेल के नाम से भी जाना जाता है किस देश में स्थित है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है अफगानिस्तान, ऑप्शन डी है तुर्कमेनिस्तान। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, तुर्कमेनिस्तान। भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए संस्कृति मंत्रालय, ऑप्शन बी है शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी है पर्यटन मंत्रालय, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, शिक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में खबरों में रही रेड सैंडर्स कौन सी प्रजाति है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए चिड़िया की, ऑप्शन बी है स्तनपाई, ऑप्शन सी है पेड़, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, पेड़। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में खबरों में रहा इबोनिया रामायण के जैसा ही संस्करण किस देश में पाया जाता है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी है मेडागास्कर, ऑप्शन सी है श्रीलंका, ऑप्शन डी है नानवदेश। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मेडागास्कर। खबरों में रहे भरत सुब्रमण्यम किस खेल से जुड़े हैं। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए टेनिस, ऑप्शन बी है शतरंज, ऑप्शन सी है क्रिकेट, ऑप्शन डी है तैराकी। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, शतरंज। नेक्स्ट आते हैं, यूनेस्को भारत की यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों का विवरण अपनी वेबसाइट पर किस भाषा में प्रकाशित करने के लिए सहमत हुआ। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है तमिल में, ऑप्शन बी है संस्कृत में, ऑप्शन सी है हिंदी में, ऑप्शन डी है मैथिली में। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, हिंदी। नेक्स्ट आते हैं, भारत ने किस देश के साथ 2030 से पहले 50 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य निर्धारित किया है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है दक्षिण कोरिया, ऑप्शन बी है यूएसए, ऑप्शन सी है यूएई, ऑप्शन डी है यूके। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट आते हैं, भारत में किस महीने में राष्ट्रीय नवाचार सप्ताह आयोजित किया जाता है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए जनवरी, ऑप्शन बी है फरवरी, ऑप्शन सी है मई, ऑप्शन डी है अप्रैल। तो सही आंसर यहाँ पे होगा, ऑप्शन ए जनवरी में। नेक्स्ट आते हैं, भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन किस राज्य में शुरू की गई। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है यूपी, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, तो भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन यूपी में शुरू की गई है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, इको रैप किस संस्थान द्वारा जारी प्रमुख रिपोर्ट है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए एशियाई डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक, ऑप्शन बी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन सी है विश्व बैंक, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, भारतीय स्टेट बैंक। नेक्स्ट आते हैं, एनपीसीआई के अनुसार आधार सक्षम नगद निकासी लेन देन प्रति ग्राहक प्रति टर्मिनल प्रतिदिन की अधिकतम सीमा क्या है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है 3। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 5। नेक्स्ट आते हैं, अगरतला और जीरीबाम के बीच उद्घाटन की गई नई जन शताब्दी एक्सप्रेस त्रिपुरा को किस राज्य से जोड़ती है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी है सिक्किम, ऑप्शन सी है मेघालय, ऑप्शन डी है मणिपुर। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, त्रिपुरा को मणिपुर से जोड़ती है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, उल्फ ज्वालामुखी जो खबरों में रहा किस द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए हवाई द्वीप, ऑप्शन बी है गैलापागोस द्वीप समूह, ऑप्शन सी है मारियाना द्वीप समूह, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज।
तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, जो उल्फ ज्वालामुखी है गैलापागोस द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट आते हैं, विशेष सुरक्षा समूह अधिनियम 1988 किसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए पारित किया गया था, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। आपके पास ऑप्शन है परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री। नेक्स्ट आते हैं, एबिलिंपिकस किस क्षेत्र में विकलांग व्यक्तियों के लिए आयोजित प्रतियोगिताएं हैं। आपके पास ऑप्शन है खेल, ऑप्शन बी है कौशल प्रदर्शन, ऑप्शन सी है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, कौशल प्रदर्शन। जो एबिलिंपिकस कौशल प्रदर्शन के क्षेत्र में विकलांग व्यक्तियों के लिए आयोजित प्रतियोगिता है। नेक्स्ट आते हैं, हैदराबाद डिक्लेरेशन जो खबरों में रहा किससे संबंधित है। आपके पास ऑप्शन है जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन बी है महिला सशक्तिकरण, ऑप्शन सी है ई गवर्नेंस ई शासन, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, जो हैदराबाद डिक्लेरेशन है वो किससे संबंधित है, तो ई गवर्नेंस से, ई शासन से। नेक्स्ट आते हैं, संजय झील किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित एक आर्द्र भूमि है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं वेटलैंड। आपके पास ऑप्शन है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है यूपी, ऑप्शन डी है बिहार। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, नई दिल्ली। नेक्स्ट आते हैं, पर्यावरण मंत्रालय ने किस उत्पाद के लिए विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी पर दिशा निर्देश जारी किए। आपके पास ऑप्शन ए जैव चिकित्सा अपशिष्ट बायोमेडिकल वेस्ट, ऑप्शन बी है वेस्ट टायर्स बेकार टायर, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, जो वेस्ट टायर होता है ना उस पर दिशा निर्देश जारी किया है किसने, पर्यावरण मंत्रालय ने, इसे शॉर्ट में बोलते हैं EPR। ठीक है, एग्जाम में पूछ सकता है आपसे कि EPR का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट आते हैं, निर्भया कड़ी अभियान से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है। आपके पास ऑप्शन है बिहार, ऑप्शन बी है यूपी, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, उड़ीसा। नेक्स्ट आते हैं, त्रिंकोमाली तेल टैंक फॉर्म को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए किस भारतीय कंपनी की सहायक कंपनी ने समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। आपके पास ऑप्शन है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ऑप्शन बी भारत पेट्रोलियम, ऑप्शन सी है ONGC, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में खबरों में रहा खुंडकट्टी कानून किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लागू है। आपके पास ऑप्शन है बिहार, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है यूपी, ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, खुंडकट्टी कानून कहाँ पे है, तो झारखंड में लागू है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर को किस विशेष दिन का विषय घोषित किया गया है। सिंपली आपसे पूछ रहा है कि ये जो टैगलाइन है इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर किस दिन का थीम है। आपके पास ऑप्शन ए विश्व विज्ञान और प्रौद्योगिकी दिवस का, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ऑप्शन सी है बायोडाइवर्सिटी डे, जैव विविधता दिवस, ऑप्शन डी है नन ऑफ दी। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, किसका थीम है, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का। नेक्स्ट आते हैं, सीमा सुरक्षा बल की किस टीम का नाम सीमा भवानी है।
आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऑल वुमेन बाइकाटिम, ऑप्शन बी है ऑल वुमेन क्रिक क्रोकोडाइल, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ऑल वुमेन बाइकाटिम। नेक्स्ट आते हैं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी जो हाल ही में चर्चा में रही किस राज्य में स्थित है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी है यूपी, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, यूपी में। नेक्स्ट आते हैं, ब्लू बुक जो समाचारों में देखा गया था किस सशस्त्र बल या समूह का मैनुअल है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है सीआरपीएफ, ऑप्शन बी है बीएसएफ, ऑप्शन सी है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, एसपीजी का, एसपीजी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। नेक्स्ट आते हैं, पीएम एक्सेलेंस अवार्ड किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है या दिया जा रहा है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए खेल, ऑप्शन बी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सार्वजनिक प्रशासन, ऑप्शन सी है शिक्षा, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो पीएम एक्सेलेंस अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जा रहा है, सार्वजनिक प्रशासन के क्षेत्र में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, डीआरडीओ दिवस 2021 के लिए घोषित विषय क्या है। आपसे पूछ रहा है कि डीआरडीओ डे 2022 का थीम क्या है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए आत्मनिर्भर भारत, ऑप्शन बी है देश के साथ, ऑप्शन सी है निर्यात एक्सपोर्ट, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो थीम बहुत ही शानदार है और इस थीम के अकॉर्डिंग काम भी हो रहा है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी निर्यात। नेक्स्ट आते हैं, स्माइल योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा लागू की जानी है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, ऑप्शन बी शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो सही आंसर क्या होगा, स्माइल योजना किस केंद्रीय मंत्रालय की पहल है। तो ऑप्शन ई आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। नेक्स्ट आते हैं, COVID-19 के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन कौन सा है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए नोवावैक्स, ऑप्शन बी है कॉर्बेवैक्स टीएम, ऑप्शन सी है फाइजर, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो फाइजर तो होगा नहीं, वैसे गए, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, कॉर्बेवैक्स टीएम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में किस देश ने 25 चीनी J-10C फाइटर जेट खरीदे हैं। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है नेपाल, ऑप्शन डी है भारत। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, पाकिस्तान। नेक्स्ट आते हैं, KSLV-2 नूरी रॉकेट किस देश का पहला घरेलू निर्मित अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए दक्षिण कोरिया, ऑप्शन बी है नॉर्थ कोरिया, ऑप्शन सी है बांग्लादेश, ऑप्शन डी है भारत। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट आते हैं, किस देश ने बेहतर स्वास्थ्य धूम्रपान मुक्त बेटर हेल्थ स्मोक फ्री अभियान शुरू किया। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है यूके, ऑप्शन डी है यूएसए। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, कौन से कंट्री ने शुरू किया है बेटर हेल्थ स्मोक फ्री, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, यूके ने। नेक्स्ट आते हैं, वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट किस संस्थान द्वारा जारी प्रमुख रिपोर्ट है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए आरबीआई, ऑप्शन बी है नीति आयोग, ऑप्शन सी है विश्व बैंक, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो आरबीआई। नेक्स्ट आते हैं, सबा अल खालिद अल सबा किस देश के प्रधानमंत्री है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है कुवैत, ऑप्शन डी है ओमान। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी आपका यहां पे सही आंसर होगा, कुवैत के। नेक्स्ट आते हैं,
ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB का नया सदस्य कौन सा देश है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है इजिप्ट, मिस्र बोलते हैं हिंदी में, ऑप्शन बी है ओमान, ऑप्शन सी है इजराइल, ऑप्शन डी है बांग्लादेश। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, इजिप्ट। बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात UAE और उरुग्वे के बाद मिस्र NDB में शामिल होने वाला चौथा नया सदस्य है। तो चार नए मेंबर कंट्री जुड़े हैं NDB से, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, UAE और चौथा कौन सा था? तो आपका इजिप्ट था, मिस्र। ठीक है, अच्छा NDB के चेयरमैन कौन है? तो मार्को स्ट्राइजो और भारत के KV कामत NDB के पहले अध्यक्ष थे 2015 से 2020 तक। नेक्स्ट आते हैं, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का नवीनतम संस्करण किस वर्ष पारित किया गया था? आपके पास ऑप्शन है 2018, ऑप्शन बी है 2022, ऑप्शन सी है 2019, ऑप्शन डी है 2017। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 2019। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में खबरों में रही प्लान बी किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी है रेल मंत्रालय, ऑप्शन सी है गृह मंत्रालय, ऑप्शन डी है शिक्षा मंत्रालय। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, रेल मंत्रालय। नेक्स्ट आते हैं, अनुवांशिक रूप से संशोधित सुअर से मानव हृदय प्रत्यारोपण सफलतापूर्वक करने वाला पहला देश कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है भारत, ऑप्शन बी है USA, ऑप्शन सी है इजराइल, ऑप्शन डी है फ्रांस। तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, USA। नेक्स्ट आते हैं, किस संस्थान ने इंडिया डिजिटल समिट 2022 का शुभारंभ किया? आपके पास ऑप्शन है इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी है भारतीय उद्योग परिसंघ, ऑप्शन सी है बोथ A&B, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इंडिया डिजिटल समिट 2022 का शुभारंभ किसने किया? इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट वन लीनियर करंट अफेयर देख लेते हैं। तो सबसे पहले है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा हर साल वैश्विक जोखिम रिपोर्ट जारी की जाती है। यहाँ से आपसे पूछ सकता है कि वैश्विक जोखिम रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो विश्व आर्थिक मंच या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सिंधु ताई सपकाल जिनका हाल ही में निधन हो गया सामाजिक सेवा से जुड़ी थी। सिंधु ताई सपकाल किस क्षेत्र से जुड़ी थी? तो सामाजिक सेवा से इनका हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, खबरों में रहा हौथी आंदोलन कौन से देश पे बेस्ड है? तो यमन कंट्री पे, यमन देश पे। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि हौथी आंदोलन का संबंध किस देश से है? ऑप्शन दे देगा कुवैत, यमन, भारत और पाकिस्तान। तो सही आंसर क्या होगा? यमन। नेक्स्ट आते हैं, भारत ने डेनमार्क के साथ हरित रणनीतिक साझेदारी कार्ययोजना 2020-25 पर हस्ताक्षर किए। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा, भारत ने किस देश के साथ हरित रणनीतिक साझेदारी कार्ययोजना 2020-25 पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आपका आंसर क्या होगा? डेनमार्क। नेक्स्ट आते हैं, बारबाडोस द्वीप कौन से सागर में स्थित है? तो कैरेबियन सागर में, कैरेबियन सी में। स्ट्रीट फॉर पीपल चैलेंज कौन से मंत्रालय की एक पहल है? तो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की पहल है, स्ट्रीट फॉर पीपल चैलेंज। नेक्स्ट है हमारा, स्टार ऑफ डेविड और अशोक चक्र भारत और इजराइल के स्मारक लोगों में पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे लोगों का मतलब ये हुआ। ठीक है, तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्टार ऑफ डेविड और अशोक चक्र कौन से दो देश के स्मारक लोगों में पाए जाते हैं? तो इंडिया और इजराइल। नेक्स्ट आते हैं, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक को यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ मिला दिया गया था। यहाँ से क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक को कौन से बैंक के साथ मिला दिया गया है? तो यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ। नीरज चोपड़ा को परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परम विशिष्ट सेवा पदक से किसे सम्मानित किया गया है? तो नीरज चोपड़ा को, जिन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता था। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 2021 के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक CPI करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत का रैंक कितना है? तो 85 है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक कितनी है? तो 85।
वी आनंद नागेश्वरन ने भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम का स्थान लिया है। देखो पहले भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन थे? कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। इनका स्थान किसने लिया है? वी आनंद नागेश्वरन ने। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।